बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी की बढ़ती नजदीकी मिथिलांचल के लिए विकास के नए दरवाजे खोल रही है। पिछले दिनों अली अशरफ फातमी एवं भाजयुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने 26 फरवरी को राजभवन में महामहिम राज्यपाल फागू चौहान से भेंट कर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में योग विभाग प्रारंभ करने के संबंध में आग्रह किया था, जिसे महामहिम ने गंभीरता से लेते हुए अपर सचिव राजभवन ने पत्र के माध्यम से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से आग्रह किया है कि इस दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा प्रतिवेदन राज्य सरकार, शिक्षा विभाग एवं राज्यपाल सचिवालय को अपने मंतव्य के साथ अवगत कराने की कृपा की जाए। साथ ही राजभवन से इसकी प्रतिलिपि शिक्षा विभाग बिहार को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। इस त्वरित कार्रवाई के लिए पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं भाजयुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने महामहिम राज्यपाल महोदय साथ ही कुलपति महोदय से आग्रह किया है कि इस दिशा में जल्द प्रयास किया जाए, जिससे अपने यहां के छात्रों को योग में उच्चतर शिक्षा के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो परेशान क्यों हो रहे हो? उत्तर बिहार का सबसे तेजी से बढ़ता इंस्टीट्यूट एस्पायर है ना। क्लास 6 से लेकर डॉक्टर और इंजीनियर बनने तक के सपनों को पिछले कई सालों से साकार करता आ रहा यह संस्थान अब पूरे मिथिला का सबसे विश्वसनीय नाम बन चुका है। उच्च स्तरीय शिक्षकों की टीम के द्वारा बच्चों को दिल्ली और कोटा जैसी सुविधाएं दरभंगा में ही उपलब्ध कराई जा रही है। बोर्ड परीक्षा में भी लगातार इस संस्थान के बच्चों ने अपना परचम लहराया है। नए सत्र में यहां नामांकन करवा कर अब दरभंगा से ही अपने सपनों को दे उड़ान। स्कॉलरशिप परीक्षा दे और पाए ढेरों इनाम। हमारा पता है एस्पायर इंस्टीट्यूट, पश्चिमी दिग्घी, स्टेशन रोड, दरभंगा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। योग शिक्षा के लिए निर्भय जी आप लगातार काम कर रहे हैं, इस दिशा में संस्कृत विश्वविद्यालय में योग शिक्षा शुरू करवाने के लिए आप राज्यपाल से भी मिले थे, क्या कुछ नया आदेश आया है राजभवन से? राजभवन से कुलपति महोदय को और शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भेजा गया है, जिसमें कुलपति महोदय को कहा गया है कि नियमानुसार इस पर काम करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है वहां से, और साथ ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को भी इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है, और उसमें कहा गया है, दिशा निर्देश दिया गया है कि उचित कार्रवाई कर आगे इस प्रक्रिया में बढ़ा जाए। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। असल में सबसे है क्या कि हम लोग खुद योग के छात्र रहे हैं, योग से नेट हैं, पीएचडी हैं। एक गरीब परिवार का लड़का योग से उच्चतर शिक्षा को बिहार में नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में योग के उच्चतर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। यदि यही बात संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो जाता है तो हम देखते हैं कि न केवल बिहार के लोग बल्कि हम लोगों से सटा हुआ है यहाँ नेपाल, बगल का देश नेपाल, वहाँ के लड़के भी योग के पढ़ाई के लिए आएंगे। हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शुरू की थी मुंगेर के माध्यम से, और मुंगेर में हम लोग देखते थे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे हम लोगों के साथ 36 देश के लड़के लड़कियाँ वहाँ पढ़ते थे। खुद जब हम लोगों को एमए करना हुआ योग से तो हम लोग गुरुकुल कांगरी गए, हरिद्वार गए, वहाँ भी देखे कई देशों के छात्र हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं। यदि ये सुविधा यहाँ शुरू हो जाती है तो न केवल विश्वविद्यालय का नाम बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगा, हमारे जिले का, हमारे प्रांत का नाम होगा, और दूर दूर के लड़के यदि यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम पुनः पुरानी गरिमा को प्राप्त करेंगे।